और रायपुर के एकात्म परिसर में आज भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव की पीसी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस की पहचान भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में रही है। जब जब कांग्रेस को मौका मिला कांग्रेस ने लूटने का काम किया। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि वो किसानों के मसीहा हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए कुछ नहीं कहा। बता दें कि कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के जितने भी आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें वहीं पूर्व सीएम के ओएसडी सौम्या चौरसिया को जमानत नहीं मिल रही। आईएएस अधिकारी समेत बिश्नोई समेत कई अधिकारी जो जेल में हैं, भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर कांग्रेस पार्टी में ही 6 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज किस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित हमारे प्रदेश मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी, रायपुर शहर के सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लगभग 24 वर्ष हो गए हैं, 23 वर्ष पूर्ण होकर 24 वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के अंदर में एक बढ़ते हुए प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदेश के रूप में जिसने पहचान बनाई है। देश की आजादी के 77 वर्षों में कांग्रेस की पहचान एक भ्रष्टाचारी शासन के रूप में हुई है। चाहे हम लगभग देश की आजादी के 58 वर्षों तक लगभग लगातार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय एक तरफा अपने हिसाब से कांग्रेस ने सरकारें चलाई क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद भी जो 10 साल यूपीए की सरकार का मौका जो मिला कांग्रेस को, यूपीए की सरकार का जो लीड वो कर रहे थे, उस समय भी लगातार ऐसे अनेक विषय आए हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें कोई ना कोई स्कैम होता था, कोई ना कोई इस तरह के भ्रष्टाचार की चीज़ें आती थी और पेपरों में, समाचार पत्रों में आप सबके माध्यम से चीज़ें सामने आती थी। और छत्तीसगढ़ में भी ये कहा जा सकता है कि 24 साल के अंदर में पहले 3 वर्ष क्या हुआ जोगी जी का सबको मालूम है, फिर 5 वर्ष 15 साल की सरकार के बाद 5 वर्ष जो भूपेश बघेल की सरकार यहां पर रही, किसानों की मसीहा बताने वाली भूपेश बघेल की सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया और एक अच्छे अंतर के साथ में, एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से बीजेपी की सरकार। पहली बार बीजेपी की सरकार होती तो एक ऑप्शन रहता कि हम इनको मौका देना है, लेकिन 15 साल जिस प्रदेश की जनता ने हमको देखा था उनको यह विश्वास हुआ कि नहीं, बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाया, आम जनता के हितों में काम किया है, फिर 5 साल के बाद रिपीट हमको वापस यहां पर मौका दिया है। यह पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश की राजनीति में जो 77 साल या हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात में करें, कांग्रेस ने जो सत्ता प्राप्त की है, सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार करके कमाने का जो काम किया है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जब जब भ्रष्टाचार की बात आती है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो कांग्रेस हमेशा से खड़ी हुई दिखाई देती है, साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है।